तो बाइक बाइक ले ली है मैंने 800 रुपये में, ये पल्सर बाइक, शाम शाम तक के लिए 8 बजे तक। अभी इससे ही घूमूंगा दिन भर आज पचमढ़ी में। पेट्रोल डला लूँ पहले इसमें, इतना पेट्रोल होगा बस इसमें कि पेट्रोल पंप पहुँच जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो पेट्रोल डला के फिर घूमते हैं, एक बंदा और कोई ढूंढ लूँगा तो आसानी हो जाएगी, वो कैमरा पकड़ लेगा। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ जटाशंकर, ये रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है बाइक पे हूँ तो, काफ़ी रश है यहाँ पर, संभल के देख के चलाना भी पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है पचमढ़ी में, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी सही से कि नहीं, या हवा, लेकिन अच्छा वेदर है, अच्छी जगह है। ये यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है जटाशंकर के लिए, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, ये देखो सामने ही है जटाशंकर। बाइक पे इसको चलाना और साथ में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से सीधे आप जाइए जटाशंकर पहुँच जाएंगे। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये बोर्ड जटाशंकर के लिए। बाइक पार्क करना पड़ेगी, बाइक पार्क करना पड़ेगा या ले जा सकते? ये है भैया जटाशंकर टेम्पल का रास्ता है, ये देख लिया पचमढ़ी में, ये बहुत शानदार जगह। बाइक ले जा सकते हैं क्या? कितना दूर है? आधा किलोमीटर। ये जटाशंकर महादेव टेंपल जाने के लिए है रास्ते में, ये देखिए यहाँ से ये सीधा लेके आप पहुँच सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रसाद वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले लें। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पचमढ़ी में, देखिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। और मैंने बाइक रेंट पे ले ली है 800 रुपीज़ में, तो इससे ही घूमूंगा, लेकिन देखते हैं क्योंकि रिकॉर्ड कौन करेगा वीडियो। लेकिन ये देखो बहुत अच्छी जगह है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये यहाँ से ये इधर इस साइड भी देखिए।
अभी जाता हूँ मैं, बाइक स्टार्ट कर लूँ या रख लूँ इसको सोच रहा हूँ, रख के जाऊँ क्या करूँ। तो रिकॉर्ड करना और पकड़ना बड़ा, ये रास्ता जटाशंकर जाने के लिए। काफी अच्छा वेदर है, बाइक से जा रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोनों साइड पहाड़ हैं, इसे लेकिन काफी अच्छा वेदर है तो बढ़िया लग रहा है, आराम से धीरे धीरे बाइक से जा रहा हूँ। शायद बाइक रख सकते, पार्किंग है क्या ये? कितने दूर और ये है? यहाँ से सीधा जाओगे जटाशंकर महादेव मंदिर, जो पचमढ़ी में है, महादेव मंदिर, जटाशंकर महादेव मंदिर, वहाँ पहुँच जाओगे आप। और यहाँ तक आप बाइक से आ सकते हो, रेंटल बाइक से या अपनी कार से आ सकते हो, या फिर वहाँ से भी, उधर से वहाँ पीछे ही बाइक रख के पैदल आ सकते हो आप, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, अभी यहाँ से पैदल जाऊँगा। भैया प्रसाद दे दो यार कुछ, यहाँ से ले सकते हैं प्रसाद वगैरह। कितना हो जाएगा? और क्या अगरबत्ती का पूरा सब अपना नहीं रखा ही? मुझे ना मैं अपने दो तीन आइटम तो अपने का नहीं है, चने रखे ही है, पैकेट मुरमुरा रखा ही है, दो चीज तो अपन ही मिला लेंगे, है ना? सेला कर लेंगे थोड़ा सा। अरे वो तो ज्यादा सेला करके करने क्या, कोई बच्चा। अरे यार मैं दाई, मेरा मोबाइल तो यार घर में इनको बोले कोई सी बस आ रही तो छेटो उठाऊंगा, रख दे यार वो मोबाइल ट्रेन हो नहीं तो दोनों ही बंद। काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे, अच्छी जगह है, मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं। देख ये यहाँ से सीधा जा सकते हैं आप, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पैदल पैदल चले जाइए आप जटाशंकर महादेव मंदिर। मैं भी यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ, बाइक रख दी है पीछे, और यहाँ से पैदल आप चले जाओ। काफ़ी सारी बाइक्स भी रखी हैं यहाँ पार्किंग में। ये देखो काफ़ी अच्छी जगह है ये, एकदम शांति है। बीच बीच में तो कई जगहों पे नेटवर्क भी नहीं है, तो कोई आपको फ़ोन भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक मंदिर संकट हनुमान मंदिर, पहाड़ देखिए आप, पहाड़ों के बीच में आ गया हूँ, पीछे दोनों साइड ये देखिए। यहाँ से देखो
छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, अगर आपको आयुर्वेद वायुर्वेद की कोई चीज़ चाहिए तो। अरे हाँ तो बना दो, पैदल पैदल जा रहा हूँ अभी मैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं पीछे, उनकी शॉप्स वगैरह हैं। ये देखो छोटे छोटे मार्केट्स भी हैं, नींबू पानी वगैरह चाहिए तो। ये नींबू पानी वगैरह भी मिल जाएगा अगर आपको पीना है तो, प्रसाद या कोई खेलने के ये सामान वगैरह। शायद नीचे है वहाँ मंदिर, जा रहा हूँ मैं सीढ़ियाँ उतर के। ये देखिए अच्छा मंदिर है यहाँ पे। यहाँ जा रहा हूँ हम लोग, देखो पचमढ़ी में है ये मंदिर, तो अगर आप पचमढ़ी आए तो यहाँ जरूर आए। ये देखिए अभी यहाँ से देखिए पीछे ये पॉइंट टाइप बना हुआ है, पहाड़ों के अंदर है सब। ये देखिए अभी जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आगे मंदिर है देखिए। यहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉप्स भी मिल जाएंगी, जैसे नींबू पानी वगैरह पीना है तो। आगे है मंदिर, ये देखिए यहाँ पहुँचा हूँ अभी मैं। थोड़ा और चलना है बस, पहुंच गए हो फिर टेंपल। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी सुंदर जगह है, अच्छी जगह और शांति है यहाँ पे। शांति इन द सेंस ज़्यादा भीड़ अभी नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रही है, मंदिर में शायद ज़्यादा लोग हों। देखिए ये यहीं से जाओ नीचे, काफी लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं। ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने। ये पूरा पहाड़ के अंदर है, ये देखिए वो वहां से आया हूँ मैं पीछे से, और ये पूरा सब पहाड़ के अंदर है। महादेव मंदिर है ये, जंगल का राजा कौन होता था? चट्टान बाहर होने के लिए
यही है सामने है टेम्पल, अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन करने, प्रसाद वगैरह चढ़ाने। चप्पल नीचे ना ले जाए, तो हाथ धो लेते हैं थोड़ा। ये देखिए आप कहाँ है ये मंदिर, पूरा पहाड़ के अंदर है ये मंदिर। देखो पीछे भी पहाड़ काट के बनाया गया है। ये यहाँ से देखो, वहाँ से पीछे से उतर के आए हम लोग वहाँ से, और ये सब पहाड़ के अंदर है। ये अभी यहाँ से और नीचे जाना है, वहाँ है मंदिर नीचे। ये देखिए चप्पल जूते सब इससे पहले ही उतार दें, और ये है यहाँ से। देखिए शिव जी का मंदिर है ये, और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने। अभी मेरे को भी चलना चाहिए, ये पूरा सीढ़ी नीचे लेके कुछ जाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे जाइए, आप नीचे जाते जाइए सीढ़ी लेके आराम से धीरे धीरे। कहाँ वहाँ से आए हम लोग, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने। और नीचे बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। उतर रहा हूँ अभी, पहुँच रहा हूँ। ये देखो पहाड़ के अंदर है ये मंदिर। ये यहाँ से आएंगे आप उतर के, अभी दर्शन कर लेता हूँ। जटाशंकर गुफा है ये, जटाशंकर ही टेंपल है ये, जटाशंकर महादेव मंदिर है ये, पचमढ़ी में है जटाशंकर महादेव मंदिर। और ये मंदिर है, यहाँ पे ये गुफा है, प्रवेश द्वार है, और ये पूरा गुफा में ही है ये मंदिर। आप लोग नीचे तक भी जा सकते हैं, आए तो ज़रूर जाएं यहाँ पर, अच्छी जगह। देखो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और ये है मंदिर। नीचे है सर अभी मंदिर, और मंदिर नीचे भी है, नीचे भी जाएंगे अभी। और ये है गुफा, ये गुफा है जटाशंकर महादेव गुफा, यहाँ पे भी जा सकते हो नीचे। अभी नीचे जा रहा हूँ मैं, ले रहा है यहाँ पे, लेकिन ये है और यहाँ
यहाँ आपको सर बचा के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर जरूर आएगा। एकदम अंधेरा है यहाँ पे, ये पहाड़ में ही है ये मंदिर, वहाँ से देखो वहाँ से आए हम लोग, और ये उसके बाद पूरा ये पहाड़ पहाड़ को काट काट के इसको बनाया गया है। और वहाँ पे आपको ऐसे ही आना पड़ेगा, यहाँ पे इधर ये गुफा भी है उसमें जा सकते हैं आप, ये वहाँ अंधेरे में लोग जा रहे हैं खड़े हैं। देखिए यहाँ से आए हम लोग, यहाँ से और यहाँ से ये बाहर जाने के लिए, लेकिन ये देखिए आप क्या है, पूरा पहाड़ के अंदर बनाया गया है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जटाशंकर महादेव मंदिर वहाँ पर भी जा सकते हो आप, लेकिन वहाँ पानी भरा हुआ मैं नहीं जाऊँगा, ये देखिए आप। यहाँ से बाहर ये बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से दर्शन करके पीछे से गुफा में से और यहाँ से सीधा बाहर चले जाइए आप। ये है वो गुफा, वहाँ पे भी जा सकते हैं आप अंदर अंदर तक नीचे तक गुफा में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आराम से आप जटाशंकर टेम्पल में दर्शन करके, यहाँ पे दर्शन करके और नीचे ये गुफा है यहाँ पे दर्शन करो, यहाँ से धीरे धीरे आराम से जाइए आप यहाँ से, और उधर से इधर से वापस आ जाएंगे, वहाँ से वापस आके आप इधर से वापस ऊपर जा सकते हैं बाहर जाने के लिए। ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, ज़रूर आएँ आप अगर पचमढ़ी आ रहे हैं तो, जटाशंकर महादेव। ये देखिए पहाड़ के बीच में है,
वापस बारिश आ गई है, चलना पड़ेगा जल्दी। अरे सेम सीढ़ी लेके वापस जाना है। काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अच्छा मंदिर है, जरूर आइए आप देखिए। बारिश आ गई है, अंदर पाई जा रही बंदर ने ब्लॉक कर दिया रास्ते। दे दो भाई दादा। ब्लॉक कर दिया वो आंटी का ले ली। आंटी दे दीजिए आप चलो तो अरे चलो दादा अभी आ जाएगा दिमाग खराब है। अरे चल के भैया प्रसाद बढ़िया आराम से दिखाएंगे अभी खाएगा आराम से। रोड ब्लॉक कर दिया था उसने, अभी बढ़िया बैठ के खाएगा। अच्छा मंदिर है ये देखो। सेम सीढ़ी लेके बाहर पूछ रहा हूँ ये बाहर। अच्छा मंदिर है, आप आइए दर्शन करने जरूर, पचमढ़ी आए हैं तो। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये छोटे छोटे देखो ये। ये राम मंदिर है, यहाँ पे शिला दिखाएंगे आपको तैरती हुई के लिए।